तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। जॉन एलिया की ये पंक्तियां मोहब्बत की बारीक पंक्तियां हैं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, कितनी मासूम पंक्ति है ये, एकदम आशिकों जैसी मासूमियत। मन ही मन इंतजार चल रहा है कि आएगी आएगी, लेकिन जैसे ही आएगी मैं तो खोया हुआ रहूंगा। और अगर सच में खोया हुआ रहूंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि तुम आ गई हो। लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि तुम जब आओगी तो मुझे खोया हुआ पाओगी, यानी खुद के खोने से भी ज्यादा मुझे तुम्हारे आने का इंतजार है। यानी तुम आओगी तो खोया हुआ रहूंगा, नहीं आओगी तो क्या पता। यही है प्यार की मासूमियत, प्रेमियों की मासूमियत यही है। और आज प्यार की बात करने के लिए जॉन एलिया एक बहाने की तरह मेरे साथ हैं। बात मुझे मोहब्बत के बारे में करनी है और बहाना है जॉन एलिया। और हमारे जीवन में कवियों का अर्थ यही होता है, वे एक सुंदर बहाना होते हैं। हर अच्छा कवि एक सुंदर बहाना होता है, दुनिया को जानने का बहाना, खुद को जानने का बहाना, किसी को याद करने का बहाना और किसी को भूल जाने का बहाना, किसी के इंतजार का बहाना और ठीक उसी समय खुद के खो जाने का बहाना। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। देखो, तमन्ना तुम्हें भी है और चाहता मैं भी हूं, लेकिन चारों ओर किताबें बिखरी हुई हैं, किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, कोई जगह नहीं। वो जो एक जगह होती है जहां बैठ के मोहब्बत की जाती है, या ऐसा कहें कि मोहब्बत अपने आप में एक जगह होती है, वो भी नहीं है। क्या कह रहे हैं जॉन कि तुम आओगी इस कमरे में, ये मुझे पता है, और इस कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, चाहत मेरी भी है, पर जगह नहीं है। तो मोहब्बत करेंगे कहाँ पे, किताबों के बीच या किताबों के भीतर? लेकिन मुझे इस समय, ठीक इस समय मुझे एक और चीज याद आ रही है इन्हीं लाइनों के हवाले से। रोबर्टो बोलानियो स्पेनिश भाषा के एक बहुत बड़े लेखक हुए। अभी 15-1 साल पहले बड़ी बदहाली में उनकी मौत हुई थी, और उनकी मौत के बाद दुनिया ने उनकी महानता को जाना। उनका एक उपन्यास है एम्यूलेट। एम्यूलेट माने गंडा, ताबीज, नजर बट्टू, वो जो नजर हटाने के लिए होता है वो। 30-1 साल पुरानी किताब है उनकी ये एम्यूलेट। और उसकी जो हीरोइन है वो जॉन एलिया की इसी नज्म वाली लड़की की तरह है। वो एक कवि से बड़ी प्रभावित है और उसके घर पहुंच जाती है, किताबों से भरे उसके कमरे को सजाने की तमन्ना से वो भरी हुई है। अद्भुत साम्य है। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, न जॉन एलिया न रोबर्टो बोलानियो, लेकिन देखिए अद्भुत साम्य है, क्योंकि किताबों से भरा कमरा और कुछ नहीं होता, कवि का दिल होता है। अंदर मोहब्बत की एक आत्मा होती है जो बड़ी चंचल होती है, उड़ने को बेकरार होती है। शायरी और तसव्वुफ की मोटी मोटी किताबें पेपर वेट की तरह उस आत्मा पर रखी होती हैं, वरना वो आत्मा उड़ जाएगी। और इस नज्म की अगली लाइनों में जॉन एलिया बाकायदा इसका इशारा कर देते हैं कि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पे, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पे, इनमें एक रमज है जिस रमज का मारा हुआ जहन मुझता इशरत अंजाम नहीं पा सकता,
जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। दिल का कमरा है, किताबें भरी पड़ी हैं, आराम कहां से मिलेगा? मोहब्बत का इंतजार कर रहा है, मोहब्बत दरवाजे पे खड़ी है, लेकिन शायर का जहन तो रम्ज का मारा हुआ है, यानी एक रहस्यवादी रम्ज तुमार खड़ा कर रखा है उसने, उस रहस्य को वो किताबों में खोज रहा है। तो बताइए भला कैसे उसे खुशखबर मिलेगी, कैसे सुकून मिलेगा? कितनी सादा जबान में जॉन एलिया ने कह दिया है कि आ तो रही हो लेकिन कोई उम्मीद मत करना, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, चित भी मेरी है पट भी मेरा है। और यही तो आशिकों की खूबी होती है कि चित भी मेरी पट भी मेरा। खुसरो बाजी प्रेम की मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे हारी पी के संग, चित भी मेरी पट भी मेरा। ये छोटी सी नज्म है जॉन एलिया की, जो प्यार की बेहद सुंदर नज्म है। बिना प्यार का जिक्र किए कितनी सफाई से जॉन एलिया उम्मीद और इंतजार का हवाला दे गए हैं। देखिए, उम्मीद है, इंतजार है, मन में कहीं ना कहीं कसक है और एक सवाल भी है। मुझे अब तुमसे डर लगने लगा है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो गई है क्या? उम्मीद, इंतजार, सब कुछ है, बस अपने मुंह से नहीं बोलना है। बिना शब्दों का पीछा किए वो बात कह जाते हैं, उन्हीं का शेर है। वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम? वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम? नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम? बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें? खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम? ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम? ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम? हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम? तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम? तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम? नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम? ध्यान देना एक बात कि जो कवि प्यार पे बहुत अच्छी तरह लिखते हैं, उनका जीवन कहीं ना कहीं कैक्टस की तरह होता है, बहुत कम पानी पे गुजारा कर लेते हैं, प्यार का पानी बहुत कम मिलता है उन्हें, बाहर से कांटे निकले होते हैं उनमें, नज़दीक जाओगे तो एकदम से चुभ जाएंगे, लगेगा जाने किस बदतमीज पौधे के पास आ गए हैं, क्योंकि सिंचाई तो ठीक से हुई नहीं, प्रेम का जल ठीक से बरसा नहीं था, थोड़ा सा बरसा था उसी को संजो के अंदर रख लिया, पूरी जिंदगी उसी के बल पे गुजार दी। इसीलिए कैक्टस या एलोवेरा या इस प्रजाति के पौधों को काटोगे तो अंदर बहुत सारी नमी मिलेगी। साधारण पौधों के पत्तों को काटें तो वे पतले से पत्ते होते हैं, अंदर कुछ ज़्यादा माल होता नहीं, लेकिन रेगिस्तान वाले या कैक्टस टाइप के जो पौधे होते हैं उनके पत्तों को काट के देखा जाए तो उसमें नमी मिलेगी, अंदर जेल टाइप का पदार्थ मिलेगा, एक तरह का पानी होगा। वो तो पानी बरसा ही नहीं था, जितना भी पानी जीवन में बरसा उन पौधों ने सारा का सारा पानी संभाल के अपनी पत्तियों में रख लिया। साल में एक बार पानी मिला तो बाकी का पूरा साल पानी की उस स्मृति को संजो के बिता दिया। जॉन एलिया ठीक ऐसे ही कवि हैं, प्यार का पानी बहुत कम बरसा उन पे, जितना उनकी जड़ों को चाहिए था उतना नहीं बरसा तो वो कैक्टस जैसे बनते चले गए, बाहर से कांटे निकले हुए हैं, अंदर नमी भरी हुई है। कहते हैं, मुस्तकिल बोलता ही रहता हूं, कितना खामोश हूं मैं अंदर से, मुस्तकिल बोलता ही रहता हूं,
कितना खामोश हूं मैं अंदर से। ये अंदर अंदर का जल है। निजी जिंदगी में वो अपनी बदतमीजियों के लिए बदनाम थे, लेकिन गौर से देखो तो उनकी शायरी में भी ना थोड़े थोड़े से कांटे उगे हुए हैं। कई शायर ऐसे होते हैं जो अपने पाठकों का बड़ा सम्मान करते हैं, उन पर बड़ा भरोसा करते हैं, उनकी कविताएं भी उन पाठकों का बड़ा सम्मान करती हैं। ऐसे शायरों को पता होता है कि मैं कठिन भी लिखूंगा तो भी मेरा पाठक मुझे समझ लेगा। लेकिन ये जो कांटेदार किस्म के शायर होते हैं ना, ये भले ज्यादा कठिन ना लिखें, भले सरल सरल सा लिखें, लेकिन उसके बाद भी अपने पाठक को लगातार एक कांटा चुभोते रहते हैं कि यार तुम नहीं समझोगे मुझे, चलो तुम नहीं समझोगे मुझे। और ये कांटा भी इसलिए उगा होता है कि मोहब्बत मिली नहीं ठीक से, और यही अच्छा है कि नहीं मिली। प्रेम का जल ठीक से बरसा नहीं, क्योंकि अगर ठीक से बरस जाता तो कविता की और इस तरह की कविता की क्या जरूरत होती। ये इस तरह की कविता आती कहां से। जिंदगी में अगर अच्छी खासी मोहब्बत है तो कविता की कोई जरूरत नहीं है, तब कौन किताबों में आंख फोड़ेगा भाई। प्यार है तो प्यार करो, प्यार की कविता मत करो, क्योंकि भाव की कविता अभाव से पैदा होती है। तभी तो देखो जिंदगी में प्रेम नहीं मिला तो एक काल्पनिक प्रेमिका बना ली, फारेहा। देखिए जॉन एलिया की तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, उनके कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन देखिए एक ख्याली महबूबा आ गई है, फारिहा। एक नाजनीन ख्याली महबूबा, और उससे कहते हैं वो, किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। यानी ऐसी है वो कि किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। असल महबूबाएं तो फिर भी बख्श देती हैं, ख्याली महबूबाएं बिल्कुल नहीं बख्शती, बर्बादी तय हो जाती है। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। और अगर दिल ऐसा हो तो कौन ध्यान देगा, कितना संभाल करेगा, कौन इस घर की देखभाल करे। रोज एक चीज टूट जाती है, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। यहीं पे मुझे याद आ रहा है कि ओरहान पामुक का एक उपन्यास माय नेम इज रेड में द ब्लैक नाम का एक करेक्टर बरसों बाद अपने शहर लौट रहा है। रास्ते में किशोरावस्था की अपनी प्रेमिका को याद करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका चेहरा है कि याद ही नहीं आता, इतना समय बीत चुका है कैसे याद आएगा। क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। तो ब्लैक क्या करता है, अपने ख्यालों में वो एक नई सूरत बना लेता है। ठीक उसी तरह जॉन एलिया भी अपने ख्यालों में एक नई सूरत बना लेते हैं, वो काल्पनिक प्रेमिका फारिहा, जिसकी सूरत इन्होंने अपने ख्यालों में बना ली, वो इन्हें खत लिखा करती थी और ये भी उसे खत लिखते थे, और मोहब्बत की बातें होती थी, और वो प्रेमिका इसरार कर रही है कि मेरे खतों को जला दो, लेकिन शायर मियाँ कह रहे हैं नहीं जलाऊं, तुम्हारे ये खत मेरे लिए लौह दिल हैं, यानी जैसे मेरे हृदय का शिला लेख हैं, मैं इन्हें नहीं जलाऊंगा। फारेहा निगारीना, तुमने मुझको लिखा है मेरे खत जला दीजिए। फारेहा निगारीना, तुमने मुझको लिखा है मेरे खत जला दीजिए, मुझको फिक्र रहती है आप उन्हें गंवा दीजिए। आपका कोई साथी देख ले तो क्या होगा, देखिए मैं कहती हूं ये बहुत बुरा होगा। मैं भी कुछ कहूं तुमसे फारेहा निगारीना, मैं भी कुछ कहूं तुमसे फारेहा निगारीना, ए बनाजुकी मीना इत्र बेनसीना रश्क सर बिसिर मीना। मैं भी कुछ कहूं तुमसे फारेहा निगारीना, मैं तुम्हारे हर खत को लौह दिल समझता हूं,
लौह दिल जला दूं क्या? मैं तुम्हारे हर खत को लौह दिल समझता हूं, लौह दिल जला दूं क्या? जो भी सतर है इनकी कहकशां है रिश्तों की, कहकशां लुटा दूं क्या? जो भी हर्फ है इनका नक्श जान है जाना, नक्श जान मिटा दूं क्या? है सवाद बीनाई इनका जो भी नुक्ता है, मैं उसे गंवा दूं क्या? लौहे दिल जला दूं क्या? कहकशां लुटा दूं क्या? नक्श जान मिटा दूं क्या? मुझको लिख के खत जानम अपने ध्यान में शायद, ख्वाब ख्वाब जज्बों के ख्वाब ख्वाब लम्हों में यूं ही बेख्यालाना जुर्म कर गई हो तुम, और ख्याल आने पे उससे डर गई हो तुम, और ख्याल आने पे उससे डर गई हो तुम। जुर्म के तसव्वुर में गर ये खत लिखे तुमने, फिर तो मेरी राय में जुर्म ही किए तुमने। जुर्म क्यों किए जाए, खत ही क्यों लिखे जाए? जुर्म क्यों किए जाए, खत ही क्यों लिखे जाए? और अगर खत लिखने हैं तो पता भी तो होना चाहिए। मोहब्बत का पता बहुत आसान होता है, फिर भी कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता। तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। तुम हो खुशबू के ख्वाब की खुशबू और उतनी बेमुरव्वत हो। है मेरी आरजू के मेरे सिवा तुम्हें सब शायरों से वहशत हो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। दास्तां खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। उर्दू शायरी के साथ मेरा यह सफर अभी चलता रहेगा, जॉन एलिया के बारे में और बातों के साथ कभी अगली बार, बार बार कई बार। वैलेंटाइंस डे स्पेशल सीरीज के मेरे वीडियो में तो यह बस एक शुरुआत है, जॉन एलिया मोहब्बत का एक बहाना है। सारी बातें भूल जाना फारेहा, था वो सब कुछ एक फसाना फारेहा। सारी बातें भूल जाना फारेहा, था वो सब कुछ एक फसाना फारेहा। हाँ, मोहब्बत एक धोखा ही तो थी, अब कभी धोखा न खाना फारेहा। लेकिन इसी के साथ साथ ये भी पूछना कि अब मेरी कोई जिंदगी ही नहीं, अब भी तुम मेरी जिंदगी हो क्या? तुम्हारा हिज्र मना लूं अगर इजाजत हो, मैं दिल किसी से लगा लूं अगर इजाजत हो। तो मैं भी इजाजत लेता हूं आपसे वैलेंटाइंस डे स्पेशल इस सीरीज में। कल अगले एपिसोड में बताऊंगा प्यार पे आधारित 5 हिंदी उपन्यासों के बारे में जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। और रविवार 14 फरवरी को मैं आपसे मिलूंगा लाइव। प्यार मोहब्बत और कविता की बातें होंगी, कुछ आपके सवाल होंगे, कुछ मेरे जवाब होंगे, थोड़ा सा समय हम लोग मिल के बिताएंगे। जॉन एलिया होते तो कहते थोड़ा सा समय हम लोग मिल के गंवाएंगे। उन्हीं का शेर है, जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज से गंवाने का। जिंदगी एक फन है लम्हों को अपने अंदाज से गंवाने का। तो हम लोग मिलेंगे और अपने अंदाज से अपने इन लम्हों को गंवाएंगे।